हेलो स्टूडेंट्स, एमडीसीएस का ओपन बुक पेपर आज हुआ और अभी रात को बैठ के मैं आपके लिए पेपर का एनालिसिस कर रही हूँ। भले ही मुझे पता है आपको जो यूजुअली देखने की आदत है लेक्चर कार्ड पे प्रॉपरली सब कुछ आईपैड में शो होता हुआ, अब क्योंकि मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ, अपने घर पे हूँ, पर फिर भी मुझे लगा कि आज के पेपर का एनालिसिस मैं इसलिए करूँ ताकि आपको एक व्यू पॉइंट मिल सके कि किस तरह से एमडीसीएस या किसी भी ओपन बुक पेपर को बनाना है और कैसे क्वेश्चंस की मैपिंग करनी है या आंसर्स किस तरह से लिखने हैं। अच्छा, एक चीज़ ऐसी भी हुई है आज के पेपर में, एमडीसीएस के पेपर में, कि कुछ क्वेश्चंस ना स्टडी मैट में थे तो रेफरेंस गाइड में होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि रेफरेंस गाइड भी स्टडी मटेरियल जो आईसीएसआई ने दी है उससे उसको ही मैप करके बनाई जाती है। तो कुछ क्वेश्चंस मुझे ऐसे लगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2B, जिसमें आपसे फैक्ट्रीज एक्ट के रिलेशन में एक फैक्ट्री इंस्पेक्टर के पोजीशन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3A, जिसमें आपसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन पर्टिकुलरली पूछा गया है। अच्छा, मिनिमम वेजेस एक्ट का क्वेश्चन तो आपको मिलता है, स्टडी मटेरियल में भी है, रेफरेंस गाइड में भी है, पर एज फार एज पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट इज कंसर्न्ड, ये क्वेश्चन इस टाइप का नहीं देखा गया, ये केस स्टडी नहीं है। सेम गोज विद वन मोर क्वेश्चन जो मैंने नोटिस किया। एक क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है स्टैम्प एक्ट का, इंडियन स्टैम्प एक्ट का, जिसमें इम्प्यूड ऑर्डर को सस्टेन किया जाएगा या सेट असाइड किया जाएगा। एक इंडियन स्टैम्प एक्ट का एक केस सिनेरियो दिया हुआ है, उसको लेके वो क्वेश्चन भी स्टडी मैट में इसका नामो निशान नहीं मिला, तो रेफरेंस गाइड में तो सवाल ही नहीं उठता, वहां पर कैसे आएगा। अच्छा, एक और सेट ऑफ क्वेश्चन कुछ दिखे मुझे जो लास्ट 6A और B है। अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को देखें तो ये क्वेश्चंस टोटली आपको एग्जीक्यूटिव लेवल में जो आपका नॉलेज लेवल रहा या जो आपने तब पढ़ा उसके बेसिस पे इन क्वेश्चंस को लिया गया है। जैसे अगर हम 6B क्वेश्चन देखें, PQR लिमिटेड हैज डिसाइडेड नॉट टू प्रिजर्व द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रिलेटेड रिकॉर्ड्स of accounts more than 3 years immediately preceding the relevant financial year. Action decided by PQR Limited is justified in your view or not? Comment. अब ये क्वेश्चन तो कंपनी लॉ का क्वेश्चन है, डायरेक्टली समझ में आ रहा है देखते ही साथ, जो एग्जीक्यूटिव लेवल में हम पढ़ते हैं। वैसे ही एक क्वेश्चन है कि डायरेक्टर ने एक्सप्लेन किया कि कैसे उनका एक्शन जस्टिफाइड होता है ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। अगेन, अगर आपने कंपनी लॉ के प्रोविजंस पढ़े हैं डिपॉजिट को लेके 73-76A ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो आपको ये वाले क्वेश्चंस तो आपको बन जाएंगे। अब देखते हैं कि हमारी रेफरेंस गाइड से, मैंने सब कुछ लेके आया हुआ है घर में ताकि मैं आपके लिए ये वीडियो बना सकूं, इसमें अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 जो कि फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज पे बात करता है, तो द मोमेंट फंक्शनल स्ट्रैटेजीज ये सब आता है तो हमको पता है कि हमारा ये बिजनेस स्ट्रैटेजी एंड मैनेजमेंट वाले पोर्शन से आया हुआ है। एंड आंसर इज डायरेक्टली गिवन इन 232, जहाँ पे फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजीज एंड इफेक्टिव टूल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स करके हमें हमारे पेज नंबर 3, मतलब मेरे रेफरेंस गाइड के पेज नंबर 3 में ही आपको ये आंसर मिल जाएगा। और उसके बाद सारे ही जो आंसर हैं वो लाइन से यहीं पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो वी आर डन विद दिस, 40 मार्क का क्वेश्चन है, आई मीन 10 मार्क के 4 क्वेश्चन हैं, और जो कि एक के बाद एक आपकी स्टडी मैट में भी दिए हुए हैं। यू कैन ईजिली फ्रेम दी आंसर। अब एकदम भी ईजी नहीं दे देगा, क्योंकि CS प्रोफेशनल लेवल के आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपसे कुछ तो एक्सपेक्ट ICSI भी कर रही है। अच्छा, अब अगर हम ये वाले क्वेश्चन पे आएँ, विच इज क्वेश्चन नंबर 3B, द फूड कंपनी फॉर ऑनलाइन ऑर्डर्स इज चार्जिंग हायर देन द प्राइजेस जो मेन्यू में दिया हुआ है, चार्ज बाय द रिस्पेक्टिव रेस्टोरेंट फॉर वॉक इन कस्टमर्स एंड दिस एंड दैट, एक लंबा सा दिया हुआ है। फिर इसमें दिया है, गोपाल वर्मा हैज अलीज्ड दैट फूड कंपनी इज अब्यूजिंग इट्स डोमिनेंस बाय चार्जिंग अनफेयर प्राइजेस।
तो अगर आप ये देखें तो आपको मेरी रेफरेंस गाइड के पेज नंबर 6 में, ये देखिए पेज नंबर 6 में आपको 207 पेज नंबर पे प्राइजिंग के रिलेशन में जो ऊबर के द्वारा चार्ज की गई है अब्यूज ऑफ डोमिनेंस के रिलेशन में, ये एक आपको केस स्टडी दिख रही है जिससे आप डायरेक्टली आंसर फ्रेम कर सकते हैं। ये भी डन हो गया। फिर एक और क्वेश्चन है 4A, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेड वन हैड एंटर्ड इनटू शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट, शेयर परचेज अग्रीमेंट एंड MOU, बहुत सारा साहित्य कहानी दिया हुआ है। ये पर्टिकुलर आपका जो क्वेश्चन है जिसमें आपसे एक्सप्लेन वेदर द आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन विल बी अलाउड और नॉट, ये अगर दिया गया है तो ये आपका करस्पॉन्ड करेगा फेमा एंड अदर इकोनॉमिक एंड बिजनेस लेजिस्लेशन से, विच इज यूनिट नंबर 4, राइट। यूनिट नंबर 4 में चलते हैं हम, ये यूनिट 5 में आ गए हैं। पेज नंबर 123 में ये आंसर आपको मिलेगा जो कि है यहाँ पे पेज नंबर 15 मेरी रेफरेंस गाइड का यूनिट 4, और इसमें पेज नंबर 123 में स्पेसिफिकली दिया हुआ है सेक्शन 8 का प्रोविजन, जो कि यहाँ पे भी आपको सेक्शन 8 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट के ऊपर से क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब डायरेक्टली ही आंसर दिया हुआ है, हिंट है आपके पास कि सेक्शन 8 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट को बेस लेके हमें चलना है, जो कि ग्रीव्स कॉटन लिमिटेड वर्सेस यूनाइटेड मशीनरी एंड अप्लायंसेस, इसके रिलेशन में ये सेम केस लॉ आपको दिया हुआ है जिसका आंसर आप ढूंढ सकते हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये वाला क्वेश्चन जो स्टैम्प एक्ट के रिलेशन में है ये तो स्टडी मैट में ही कहीं नहीं है। अब हम चलते हैं अपने ये वाले क्वेश्चन की ओर, जहाँ पे शीला देवी के हस्बैंड मिस्टर श्याम हैड जॉइन द सर्विस ऑफ ABC लिमिटेड। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, ये आपको अलग अलग जगह पे दिखेगा कि अगर वॉलेंट्री रिटायरमेंट है तो क्या, तो ये आपको 329 पेज नंबर पे भी आपको इसकी हल्की सी छाप दिखेगी। एक बार हम चलते हैं 329 पेज नंबर पे, 329 पेज नंबर मतलब मेरी बुक का 329 की बात कर रही हूँ, मेरी गाइड तो खाली 47 पेजेस की है जो कि उसका मेन पर्पस है। अगर मैंने आपके लिए बल्की बना दी पूरी प्रेफरेंस गाइड तो मतलब क्या होगा, 200-300 पन्ने अगर वैसे ही ढूंढने हैं तो हम पूरी बुक ही पलट लेते। तो जैसे अगर आप देखें 329 पेज नंबर में सुपर एनुएशन ऑफ एम्प्लॉयज या रिटायरमेंट के रिलेशन में कुछ प्रोविजंस, एंड अगेन इन पेज नंबर 269 आपको ऐसे प्रोविजंस दिखेंगे, मतलब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना आपका, वो कुछ अलग अलग पेजेस में इसके आंसर्स आपको स्कैटर्ड मिलेंगे। अगर आपने प्रॉपरली इस आंसर को फ्रेम किया तो बहुत ब्यूटीफुली आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट यही बात है कि आपको ना कुछ मल्टीपल जगहों से रेफरेंसेस उठाने पड़ेंगे। जैसे 336 पेज नंबर में भी आप इसका एक रेफरेंस देख सकते हैं, जैसे LIC डायरेक्टेड टू पे बैक वेजेस एंड कॉम्पनसेशन टू ऑल बैडली वर्कमैन हुज सर्विसेज वर टर्मिनेटेड इन 1988। तो आप थोड़ा सा केस स्टडी को अगर ध्यान से पढ़ें और फिर अगर आप आंसर फ्रेम करें तो इजीली आपको केसेस के रेफरेंसेस भी मिल सकते हैं। देखिए, आप ऐसा अगर सोचेंगे कि एक ही जगह से कोई केस स्टडी उठ के आ रही है तो ये सोचना थोड़ा सा गलत होगा, है ना। अलग अलग जगहों से भी केसेस बनाए जा सकते हैं ICSI के द्वारा। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ABCD लिमिटेड वॉज स्ट्रक ऑफ बाय रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 2021। अब ये क्वेश्चन कंपनीज एक्ट के रिलेशन में है तो हम सीधे चले जाते हैं कॉरपोरेट लॉज वाले अपने सेक्शन में, और इसके पेज नंबर 41 में हमें स्ट्राइकिंग ऑफ के रिलेशन में प्रोविजंस दिख रहे हैं। मुझे मिल भी गया केस लॉ जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स प्लेस बाय द एपेलेट कंपनी फेल्ड टू प्रूव दैट इट वाज कैरिंग ऑन बिजनेस और वाज इन ऑपरेशन व्हेन इट्स नेम वाज स्ट्रक ऑफ कनोडिया निट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये एक दिख रहा है। और देखो, उसके अलावा बिना अगर आप देखो स्ट्राइकिंग ऑफ के कई सारे केस लॉज हैं। अब रेफरेंस गाइड, इस रेफरेंस गाइड का सबसे अच्छी बात क्या है पता है, कि आपको यहीं पे दिख जाता है, जो मैंने कई बार इस पे वीडियोस बनाए हैं आपको ये बताने के लिए, सिखाने के लिए, कि
आपको मल्टीपल फिल्टर्स है केस ढूंढने के, या तो आप सब्जेक्ट मैटर देख लो, या तो केस स्टडी का नाम अगर सीधे दे दिया है हल्की सी फेरबदल के बाद नाम में, केस स्टडी के जो नाम है कंपनी का उसमें हल्की सी फेरबदल है तो आपको मिल सकता है, या तो कीवर्ड मिल जाएगा। तो कीवर्ड के फिल्टर में अगर आप देखो, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगे हुए हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ है, तो स्ट्राइकिंग ऑफ के दो आपको केसेस मिल रहे हैं एंड इट इज़ ईजी। थोड़ा सा हम अपना पास्ट का नॉलेज और थोड़ा सा प्रोविजन जो हमें यहाँ पे दिए हुए हैं अगर उनको हम प्रॉपरली मिक्स करें तो ये क्वेश्चन भी डूएबल था। तो 18 मार्क्स के करीब का जो क्वेश्चन था, जो क्वेश्चंस थे, वो स्टडी मैट में मुझे मैप नहीं कर पाई मैं, मुझे नहीं मिले। मतलब ये बात है कि वो स्टडी मैट से डायरेक्टली नहीं पूछे गए, के स्टडी वॉज नॉट देयर। 12 मार्क के करीब के क्वेश्चंस आपको, 12 से 18 मार्क के क्वेश्चंस आपको पर्टिकुलरली आपके ओल्ड नॉलेज पे पूछे गए हैं जो सीएस एग्जीक्यूटिव में आपका कंपनी लॉ का बेस बना है, जैसे 6A और 6B। सीधा ये समझ में आ रहा है कि आपसे ओल्ड इस पे पूछा गया है। तो एक अगर अंदाज़ा हम लगाएं तो 30 मार्क का नियर अबाउट पेपर, 30 से 36 मार्क के अराउंड आपको पेपर थोड़ा बाहर से पूछा गया, बाहर से एज इन 3 केस लॉस तो थे नहीं और कुछ आपको पास्ट इसके बेसिस पे पूछा गया है। 70 मार्क का पेपर हमको इजीली मैप करने मिल गया इस रेफरेंस गाइड में। तो अब रेफरेंस गाइड का फायदा क्या? देखो, हर बार मैं आप लोगों को एक ही चीज कहती हूं कि रेफरेंस गाइड को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है ये लिटरली आपके लिए। अभी तक भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो समझ नहीं पाए हैं कि इस जादुई छड़ी को किस तरह से इस्तेमाल करना। अगर अभी देखिए, आपके सामने मैंने पेपर को मैप किया है, ऐसा नहीं कि मैं आज आईपैड लेके बैठी कि जो मैं कंट्रोल एफ कर लूं। जनरली ये भी होता है, कुछ स्टूडेंट्स ने एक आध बार ये भी कहा कि मैम आपने तो क्या, आपने तो अपने मैक में कंट्रोल एफ कमांड एफ कर लिया होगा, आपको तो फट से मिल गया होगा। अरे आज तो बेटा ये रेफरेंस गाइड सामने है, आज तो इसी में ही ढूंढना पड़ा, राइट? तो इस चीज को समझो कि आपको रेफरेंस गाइड को इस्तेमाल कैसे करना है, राइट? अभी भी एक इलेक्टिव पेपर बाकी है जिसका भी लेबर लॉ है, इंसॉल्वेंसी है, बैंकिंग है, जिनने भी मेरी गाइड्स खरीदी है उनको मैं यही सजेशन दूंगी कि आप इस वीडियो को पहली बात तो पूरा देखें, अब यहाँ तक पहुँचे हैं तो पूरा देख ही रहे होंगे, और इससे सीख लें कि आपको कैसे मैप करना है। भाई MDCS आपका कंपलसरी पेपर था, ये तो आपने दिया ही होगा। देखो कैसे हमने मैप किया, क्या व्यू पॉइंट था मेरा जब मैं इस पेपर को देख भी रही थी। शुरू के 10 मिनट में आपको 70 मार्क का पेपर तो आप मैप कर ही ले जाओगे। यू विल ईजीली बी एबल टू सर्च 72-75 मार्क्स के केस स्टडी और आंसर्स तो आप इजीली ट्रेस कर लोगे। अब रही बात बचे 30 मार्क की, अब 30-32 मार्क के पेपर की, ये ऐसा हो सकता है कि कुछ ICSI आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही है कि आपकी ओल्ड जो पहले की नॉलेज है एग्जीक्यूटिव लेवल की वो कितनी है, पहला। दूसरा, कुछ केस स्टडीज वो बाहर से भी आपसे पूछ सकती है या वो कॉन्सेप्ट पे पूछ सकती है जो इसमें दिया नहीं हुआ है, राइट? तो एक बार ये व्यू पॉइंट अपना के देखो। और अभी भी जो स्टूडेंट्स इस रेफरेंस गाइड को इस्तेमाल करना नहीं सीखे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को देखिए अच्छी तरह, ध्यान से। खाली देख रहे हैं और यहाँ कुछ चैट पे बात चल रही है, ऐसे नहीं, सच में देखो। हाथ में गाइड लेके बैठो, क्वेश्चन पेपर लेके बैठो, मैप करो और फिर देखो कि तुम्हारा पेपर कैसा बना आज का। इसे सीख लो कि आगे आने वाले पेपर में, इलेक्टिव पेपर में, ओपन बुक पेपर में हमें कैसे एक्ट और रिएक्ट करना है, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू और ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आगे का पेपर अच्छी तरह बनाओ। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं प्रॉम्प्टली आपको जवाब दूंगी 24/7। एज ऑफ नाउ तो आई एम ट्राइंग टू सॉल्व दी क्वेरीज ऑफ दी स्टूडेंट्स। 24/7 हम लोग इस समय लगे हुए हैं कि बस बच्चे का काम बन जाए और आपके पेपर्स अच्छे जाए। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। हम ये कोशिश करते हैं लेक्चर कार्ड में कि जबरदस्ती के ऐसे वीडियोस जो आपका टाइम वेस्ट करें, ऐसे वीडियोस हम ना लाएं।
हम तभी वीडियो रिलीज कर रहे होते हैं जब हमें ये लगता है कि ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो डू सब्सक्राइब दी चैनल, प्रेस दी बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू।